मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष शेख हुसैन के ऊपर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक, विकृत और अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से कार्रवाई करने की मांग की थी, पर पुलिस ने शेख हुसैन को जमानत दी। चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि पुलिस ने पॉलिटिकल दबाव में आकर ऐसी कार्रवाई की जिससे हम संतुष्ट नहीं है। न्याय के लिए चंद्रशेखर बावनकुले ने हाईकोर्ट में जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने शेख हुसैन के भाषण के समय जो विधायक मौजूद थे उन पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। मोर्चा निकाला, उस मोर्चा में माननीय शेख हुसैन, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अत्यंत निंदाजनक, गंदे प्रकार से, बहुत ही संतापजनक स्टेटमेंट किया है मोदी जी के बारे में। हमको ऐसा लगा कि पुलिस, गिट्टी गदार पुलिस, नागपुर शहर पुलिस सुमोटो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेगी, एफआईआर करेगी, बट किया नहीं था। हम सारे विधायक जब गिट्टी गदार गए तो वहाँ के डीसीपी ने कहा कि हम उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, नियम से कार्रवाई करेंगे। पीआई ने कहा, हमने वहाँ पुलिस कंप्लेंट एफआईआर की। उसके बाद जब देखा तो छोटी छोटी कलमें लगाकर उनको छोड़ दिया गया, जमानत दे दी गई। एक तरफ माननीय सुधाकर राव जी ने कहा, कृष्णा जी थे, हमारे दयाशंकर जी, हमारे संजय भेंडे जी, सबने कहा कि एक तरफ माननीय नारायण राणे जी, इनके ऊपर मुख्यमंत्री जी को स्टेटमेंट करने के बाद उनके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, उनको नॉन अवेलेबल ऑफेंस हुए, उनको कोर्ट जाना पड़ा, जमानत लेनी पड़ी। उससे 100 गुना ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग शेख हुसैन ने किया है। तो ऐसे व्यक्ति को जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की, हमारा कहना है कि पुलिस ने पॉलिटिकल दबाव में कार्रवाई की है। हमने आज कहा कि उनके ऊपर जो कार्रवाई करना चाहिए वो 124, 153, 153B, 160, 295A, 298, 500, 505 ये गुना दाखिल होते हैं। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।